इस लेक्चर से हम एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है डिटर्मिनिस्टिक फाइनाइट ऑटोमेटा, यानी कि बेसिकली डीएफए। अब वैसे तो डीएफए का डेफिनेशन ये है, बट स्टार्टिंग में मैं तुम्हें डेफिनेशन नहीं समझाने वाला, क्योंकि अगर मैंने तुम लोग को समझा भी दिया तो भी तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आने वाला। इसीलिए हम डायरेक्टली प्रॉब्लम से शुरू करेंगे, ऑफ कोर्स फ्रॉम स्क्रैच, फ्रॉम बेसिक्स, एंड प्रॉब्लम को सॉल्व करते करते आपको ये डेफिनेशन समझ में भी आने लग जाएगा। और वैसे भी एग्जाम में डेफिनेशन वगैरह नहीं पूछते, एग्जाम में डायरेक्टली प्रॉब्लम्स पूछते हैं, दैट्स हार्श रियलिटी, राइट। अब प्रॉब्लम को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं डायरेक्टली। देखो, फ्रॉम स्क्रैच चालू करेंगे। डिजाइन DFA टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग इफ इट स्टार्ट्स विद A एंड एंड्स विद B ओवर समेशन ऑफ A कॉमा B। इसका मतलब हमें एक ऐसा DFA डिजाइन करना है जो उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता हो विच स्ट्रिंग इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ A कॉमा B, बट दैट स्ट्रिंग शुड स्टार्ट विद A एंड एंड विद B। सिंपल एज दैट। फिर से एक बार करते हैं। हमें एक ऐसा DFA डिजाइन करना है जो उस स्ट्रिंग को एक्सेप्ट करता हो विच स्ट्रिंग इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ A कॉमा B, जस्ट द कंडीशन इज दैट दैट स्ट्रिंग शुड स्टार्ट विथ A एंड एंड विथ B। फॉर एग्जाम्पल A B B A B। अब ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा बिकॉज दिस स्ट्रिंग इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ A कॉमा B एंड दिस स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम A एंड एंडिंग विथ B। सिंपल एज दैट। ओके, तो हमें एक ऐसा DFA डिजाइन करना है जो ऐसे स्ट्रिंग्स को एक्सेप्ट करता हो। अब वो DFA हम कैसे डिजाइन करेंगे? देखो, जो DFA होता है, दैट DFA इज रिप्रेजेंटेड बाय 5 tuples, और वो जो 5 tuples होता है वो ये होता है। जब हमें एक DFA का क्वेश्चन मिलता है, तब अगर हमने इन 5 tuples की वैल्यूज निकाल दी, स्पेशली पहले 2 tuples, तो समझ जाओ कि हमने वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया। और अब हम वही करेंगे, इन टपल्स की वैल्यूज निकालेंगे। ओके, डिजाइन DFA टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग इफ इट स्टार्ट विद A एंड एंड विद B ओवर समेशन ऑफ A कॉमा B। ये हमारे 5 tuples है। सबसे पहले टपल के ऊपर जंप करते हैं, विच इज Q। Q का मतलब होता है फाइनाइट सेट ऑफ स्टेट्स। स्टेट्स का मतलब क्या होता है? स्टेट्स का मतलब वो सारे के सारे पॉसिबल मोड्स जिसमें एक मशीन काम कर सकता है। अब स्टेट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर तुम्हें स्टेट्स फाइंड आउट करना है तो तुम्हें क्वेश्चन को 2 questions पूछने होता है। सबसे पहला क्वेश्चन इज कि ऐसा कब होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है वो हमारा फाइनल स्टेट होता है। दूसरा क्वेश्चन इज कि क्या हमेशा ऐसा होगा। इस क्वेश्चन का जो आंसर होता है या इस क्वेश्चन के जो आंसर्स होते हैं वो हमारे बाकी के स्टेट्स होते हैं। ओके, प्रैक्टिकल करते हैं। डिजाइन DFA टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग इफ इट स्टार्ट विद A एंड एंड विद B ओवर समेशन ऑफ A कॉमा B। सबसे पहला क्वेश्चन पूछो, ऐसा कब होगा। मतलब अगर सपोज मुझे एक ऐसा स्ट्रिंग मिला है विच इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ A कॉमा B, तो कब मैं ये कह सकता हूँ कि दैट स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम A एंड एंडिंग विद B? कब मैं ऐसा कह सकता हूँ? मैं ऐसा तब कह सकता हूँ जब दैट स्ट्रिंग वुड स्टार्ट विद A एंड एंड विद B। सिंपल एज दैट, राइट। तो यही हमारा फाइनल स्टेट होगा, यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, तो देखो यहां पे मैं इसको कैसे लिखूंगा। क्यू ए बी मैं इसको ऐसे लिखूंगा। इसका मतलब क्या है क्यू ए बी का? इसका मतलब यह है कि द स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग विद बी। ठीक है, अब हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं ताकि हमें बाकी के स्टेट्स भी मिल सके। इस प्रोसेस को हम स्टार्टिंग से शुरू करेंगे ताकि अगर सपोज आपके मन में कुछ शंका या डाउट्स हो तो वो क्लियर हो जाएंगे। डिजाइन DFA टू एक्सेप्ट स्ट्रिंग इफ इट स्टार्ट विद A एंड एंड विद B ओवर समेशन ऑफ A कॉमा B। सबसे पहला क्वेश्चन पूछो कि ऐसा कब होगा। मतलब अगर सपोज मुझे एक स्ट्रिंग मिला है विच इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ A कॉमा B, तो कब मैं ये कह सकता हूँ कि दैट स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम A एंड एंडिंग विद B? कब मैं ऐसा कह सकता हूँ? ऐसा मैं तब कह सकता हूँ जब दैट स्ट्रिंग वुड स्टार्ट विद A एंड एंड विद B। सिंपल एज दैट। इसीलिए क्यू ए बी हमारा एक स्टेट यानी कि फाइनल स्टेट आ गया। जो पहले क्वेश्चन का आंसर होता है वो फाइनल स्टेट होता है, मैंने तुम लोग को स्टार्टिंग में बोला था। एंड फाइनल स्टेट के ऊपर एक स्टार होता है। ओके, अब हम दूसरा क्वेश्चन पूछते हैं कि क्या हमेशा ऐसा होगा। मतलब अगर सपोज मुझे एक ऐसा स्ट्रिंग मिला है विच इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ A कॉमा B, तो क्या हमेशा दैट स्ट्रिंग वुड स्टार्ट विद A एंड एंड विद B? एंड द आंसर इज नो। तो बाकी के क्या क्या पॉसिबिलिटीज है?
वो जो स्ट्रिंग है, जो भी स्ट्रिंग हमें मिला है विच इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉमा बी, वो स्ट्रिंग ए से शुरू होकर ए पे भी तो खत्म हो सकता है, वो स्ट्रिंग बी से शुरू होकर बी पे भी खत्म हो सकता है, वो स्ट्रिंग बी से शुरू होकर ए पे भी खत्म हो सकता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे बाकी के पॉसिबिलिटीज है, मतलब ये हमारे बाकी के स्टेट्स है, इनके अलावा तो और कोई स्टेट्स नहीं हो सकते। एंड बाय द वे हम बस स्ट्रिंग के स्टार्टिंग और एंडिंग देख रहे हैं, बीच में नहीं देख रहे हैं, क्योंकि हमें क्वेश्चन में बीच में झांकने के लिए नहीं बोला गया है। जो भी स्ट्रिंग हमने लिया है दैट स्ट्रिंग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉमा बी ना, तो बस खत्म, बीच में नहीं झांकना है, क्वेश्चन में बीच में झांकने के लिए नहीं बोला गया है, क्वेश्चन में बस स्टार्टिंग और एंडिंग के ऊपर फोकस करने के लिए बोला गया है, इसलिए हम वहीं पे फोकस कर रहे हैं। तो इनके अलावा तो बाकी के स्टेट्स नहीं हो सकते, राइट? तो यही हमारे बाकी के स्टेट्स हैं। तो इनको हम लिख लेते हैं, क्या है बी बी, तो क्यू बी बी, राइट? इसका मतलब स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम बी एंड एंडिंग विद बी, देन क्या है क्यू ए ए, क्यू ए ए, इसका मतलब स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग विद ए। उसके बाद क्या है क्यू बी ए, क्यू बी ए, सो क्यू बी ए, इसका मतलब स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम बी एंड एंडिंग विद ए, काइंड ऑफ दैट वियर स्टफ, राइट? और यहाँ पे एक जगह मैंने छोड़ी है, ये जगह क्यों छोड़ी है, ये मैंने छोड़ी है स्टार्ट स्टेट के लिए, क्यू एस का मतलब होता है स्टार्ट स्टेट। हर मशीन का स्टार्ट स्टेट होता ही है, किसी भी मशीन को तुम ऑन करोगे तो क्या वो अचानक से ऑन नहीं हो जाती, वो थोड़ा सा टाइम लेती है फिर वो ऑन होती है। तो उस थोड़े से टाइम में जिस स्टेट में वो मशीन होती है उस स्टेट को हम कहते हैं स्टार्ट स्टेट। हर मशीन का स्टार्ट स्टेट होता है, इसलिए हम हर मशीन के सामने यहाँ पे क्यू एस यानी कि स्टार्ट स्टेट लिखते ही है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने क्या किया है, मैंने बस जो भी स्टेट्स हमने लिए है उनको नीचे एक्सप्लेन किया है, दैट्स इट। मतलब क्यू एस का मतलब क्या है स्टार्ट स्टेट, यहाँ पे मैंने बस स्टार्ट स्टेट लिख दिया है। क्यू ए बी का मतलब क्या है, स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग विद बी, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया है कि क्यू ए बी का मतलब स्टार्ट विद ए एंड विद बी। क्यू बी बी का मतलब स्टार्ट विद बी एंड विद बी। उसके बाद क्यू ए का मतलब स्टार्ट विद ए एंड एंड विद ए, काइंड ऑफ दैट। ओके, अब पहला जो टपल है उसके वैल्यूज हमने निकाल दिए है, अब दूसरे टपल के वैल्यूज निकालते हैं। दूसरा टपल क्या है, फाइनाइट सेट ऑफ इनपुट अल्फाबेट्स। अब जो इनपुट अल्फाबेट्स जो होते हैं ना वो हमेशा क्वेश्चन में दिए ही जाते हैं। देखो यहाँ पे दिया गया ऑलरेडी, ये हमारे इनपुट अल्फाबेट्स है, सिग्मा इज इक्वल टू ए कॉमा बी, ठीक है? तो यहाँ पे चुपचाप लिख दो ए कॉमा बी, सिंपल एज दैट, ए कॉमा बी। ओके, तो इसका आंसर आ गया, सिग्मा हो गया। अब यहाँ पे आगे ट्रांजिशन फंक्शन। अब जो ट्रांजिशन फंक्शन है उसका फॉर्मूला ये होता है। अब इसका मतलब क्या है ये मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, ट्रांजिशन टेबल जब हम सॉल्व करेंगे तब। अब आगे जो है दैट इज क्यू जीरो। क्यू जीरो का मतलब होता है स्टार्ट स्टेट, तो हमारा स्टार्ट स्टेट क्या है क्यू एस, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्यू एस। आगे क्या है एफ, एफ यानी कि फाइनल स्टेट, हमने फाइनल स्टेट ऑलरेडी निकाला था विच इज क्यू ए बी, तो यहाँ पे हम लिख देंगे क्यू ए बी, ये हमारा फाइनल स्टेट। अब हम सेकेंड स्टेप के ऊपर जंप करते हैं विच इज इम्प्लीमेंटेशन। इम्प्लीमेंटेशन के अंदर हम ट्रांजिशन टेबल ड्रॉ करते हैं। अब ट्रांजिशन टेबल का जो फॉर्मूला होता है वो यही होता है जो हमारा ट्रांजिशन क्या किधर गया ट्रांजिशन फंक्शन होता है, वही हमारा यहाँ का फॉर्मूला होता है। अब इसका मतलब क्या है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। देखो ये जो सिग्मा है इसका मतलब होता है इनपुट, और ये जो क्यू है इसका मतलब होता है स्टेट्स, ठीक है? अब सिग्मा का मतलब इनपुट्स, तो जितने भी इनपुट्स है वो यहाँ पे लिख दो, कितने इनपुट्स है ए और बी, तो यहाँ पे ए और बी, इसका मतलब अभी बाकी है, रिलैक्स बताऊंगा मैं तुम लोग को। और क्यू का मतलब होता है स्टेट्स, जितने भी स्टेट्स है वो यहाँ पे लिख दो, कितने स्टेट्स है ये सारे के सारे हमारे स्टेट्स है, तो यहाँ पे लिख देंगे ये हमने सारे के सारे स्टेट्स हमारे लिख दिए हैं। अब देखो इसका मतलब क्या है मैं तुम लोग को बताता हूँ। इसका मतलब ये है कि अगर हमारा मशीन स्टेट क्यू पे है और अगर हम इनपुट सिग्मा देते हैं तो मशीन किस स्टेट में जाएगा, ये इसका मतलब है, ठीक है? अब इसी मतलब को हम इस टेबल के अंदर इम्प्लीमेंट करेंगे। कैसे करेंगे देखो, इस टेबल को सॉल्व करना चालू करने वाले हम लोग। अगर मशीन क्यू एस स्टेट में है, मतलब अगर मशीन स्टार्ट स्टेट में है और ऊपर से एज इनपुट ए टपकता है तो मशीन किस स्टेट पे जाएगा, जिस भी स्टेट में जाएगा वो स्टेट यहाँ पे हम लिख देंगे, सिंपल एज दैट। अब अगर मशीन स्टार्ट स्टेट में है मतलब मशीन के पास कुछ भी नहीं है, ऊपर से टपकता है ए, मतलब अब मशीन के पास ए है, तो अभी मशीन किस स्टेट में जाएगा, मशीन के पास ए है, तो अभी देखो अब ये जो ए है
ये एक ऐसा स्ट्रिंग है जिसके अंदर बस ए है, राइट? ओके, तो अभी ये स्ट्रिंग स्टार्ट किस लेटर से हो रहा है और एंड किस लेटर से हो रहा है? ये स्ट्रिंग स्टार्ट भी ए से ही हो रहा है और एंड भी ए से ही हो रहा है, इसीलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू ए ए, क्योंकि क्यू ए का मतलब स्टार्ट विथ ए एंड विथ ए। अगर स्ट्रिंग स्टार्ट स्टेट में है, मतलब स्ट्रिंग के पास कुछ भी नहीं है और ऊपर से बी टपकता है, तो अभी जो हमारा मशीन है उसके पास बस बी है, तो बी इज स्टार्टिंग फ्रॉम बी एंड एंडिंग विथ बी, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्यू बी बी, बिकॉज क्यू बी बी का मतलब स्टार्ट विथ बी एंड एंड विथ बी। अगर मशीन क्यू ए बी स्टेट में है, मतलब मशीन के पास ए बी है, राइट, और ऊपर से ए टपकता है, तो अभी मशीन इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग विथ ए, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू ए ए। अगर मशीन क्यू ए बी स्टेट में है, मतलब मशीन के पास ए बी है और ऊपर से टपकता है बी, ऊपर से टपका बी, अब मशीन इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग विद बी, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे क्यू ए बी। अब मशीन जो है वो क्यू बी बी स्टेट में है। एंड वन मोर थिंग, इसका मतलब ये नहीं है कि मशीन के पास बी बी है, ठीक है, ये बस मैं तुम लोग को इसके लिए एक्सप्लेन कर रहा था ऐसे ताकि तुम लोग को समझे, ठीक है। इसका असली मतलब ये है कि मशीन के पास एक ऐसा स्ट्रिंग था विच स्ट्रिंग वॉज स्टार्टिंग विद बी एंड एंडिंग विद बी, ये इसका असली मतलब है, ठीक है। बट अगर हमने ऐसे भी लिया तो भी उससे कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है, और अगर ऐसे तुम्हें ईजी जा रहा है तो ऐसे ही ले लो ना, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है तो क्या फर्क पड़ता है, ठीक है। तो मशीन के पास है बी बी, ऊपर से टपकता है ए, तो मशीन इज स्टार्टिंग फ्रॉम बी एंड एंडिंग विथ ए, तो क्यू बी ए। मशीन के पास है बी बी, ऊपर से टपकता है बी, तो मशीन इज स्टार्टिंग फ्रॉम बी एंड एंडिंग विथ बी, क्यू बी बी। मशीन के पास है ए ए, मशीन के पास है ए ए, ऊपर से टपकता है ए, तो मशीन इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग विथ ए, क्यू ए ए। उसके बाद मशीन के पास है अगेन ए ए, ऊपर से टपकता है बी, तो मशीन इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग विथ बी, क्यू ए बी। उसके बाद मशीन के पास है बी ए, मतलब मशीन के पास एक ऐसा स्ट्रिंग है विच स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम बी एंड एंडिंग विथ ए, ऊपर से टपकता है ए, नाउ द स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम बी एंड एंडिंग विथ ए, क्यू बी ए। मशीन के पास है बी ए, ऊपर से टपकता है बी, स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम बी एंड एंडिंग विथ बी। तो अब ये हमारा इम्प्लीमेंटेशन यानी कि बेसिकली ट्रांजिशन टेबल बन के रेडी हो चुका है। अब एक छोटे से ब्रेक के बाद हम मैथमेटिकल मॉडल देखेंगे और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं तुम्हें बताने वाला हूँ। Now there's a topic called as FSM, यानी कि finite state machine। अगर तुमने वो topic पढ़ा है तो तुम्हें ऐसे लग सकता है कि वो topic और ये topic तो बहुत ज़्यादा same है, and the answer is yes, दोनों topic बिल्कुल same है, या तुम ऐसे भी कह सकते हो कि दोनों topics के logics बिल्कुल भी same है, okay? बस दो छोटे छोटे से differences है। सबसे पहला difference is that कि FSM के जितने भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करते थे ना, सारे के सारे न्यूमेरिकल्स की जो स्टार्टिंग थी वो स्टार्टिंग थोड़ी सी डिफरेंट है एज कम्पेयर टू DFA की न्यूमेरिकल्स की स्टार्टिंग। और दूसरा डिफरेंस ये है कि FSM के अंदर ना, इस टेबल के बाद यहाँ पे हम एक छोटा सा टेबल बनाते थे विच वॉज वो येस नो वाला टेबल, तो वो येस नो वाला टेबल यहाँ पे नहीं बनाना है। बस ये दो छोटे छोटे से डिफरेंसेस है, बाकी सारी की सारी चीज़ें सेम है। और तुम ऐसे भी समझ सकते हो अगर तुमने मेरे FSM के लेक्चर्स देखे हैं तो, कि क्या वो लेक्चर्स करते करते मैंने DFA की प्रैक्टिस भी कर दी है, एंड द आंसर इज यस। अगर तुमने वो लेक्चर्स देखे हैं तो तुम्हें DFA बहुत ही ज़्यादा अच्छे से समझ में आने वाला है, और अगर तुम DFA के लेक्चर्स देख के FSM में जंप कर रहे हो या नहीं भी कर रहे हो तो फिर तुम्हें FSM और ज़्यादा अच्छे से आएगा, काइंड ऑफ दैट, वो ऐसे ऐसे काम करता है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, हमारे मैथमेटिकल मॉडल के ऊपर जंप करते हैं। देखो जितने भी स्टेट्स हैं वो यहाँ पे लिख दो सबसे पहले, एंड जो फाइनल स्टेट होता है ना उसके ऊपर दो राउंड्स होते हैं या दो गोले गोले होते हैं, अब देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, क्यू एस टू क्यू ए, क्यू एस टू क्यू ए, क्यू एस टू क्यू ए क्या है, ए, यहाँ पे हम लिखेंगे ए, क्यू एस टू क्यू बी बी, क्यू एस टू क्यू बी बी क्या है, क्यू एस टू क्यू बी बी बी, क्यू ए बी टू क्यू ए, ए बी टू ए, ए बी टू ए है ए, ए बी टू ए बी बी, ए बी टू ए बी बी, बी बी टू बी ए,
बी बी टू बी ए, बी बी टू बी ए क्या है, ए, यहाँ पे हम लिखेंगे ए, बी बी टू बी बी बी, बी बी टू बी बी बी, ए टू ए ए ए ए ए, ए ए टू ए बी, ए ए टू ए बी बी, फिर उसके बाद बी ए टू बी ए, बी ए टू बी ए ए, एंड बी ए टू बी बी, बी ए टू बी बी बी, ठीक है। ये हमारा मैथमेटिकल मॉडल बन गया है। अब हम एग्जाम्पल के ऊपर जम करते हैं। एग्जाम्पल के अंदर जो भी सब हमने सॉल्व किया ये सही है या गलत, ये तो हमें चेक करना पड़ेगा, तो एग्जाम्पल के अंदर हम वही चेक करते हैं, ठीक है। अब देखो कैसे चेक करेंगे। सबसे पहले सिग्मा, हम हमेशा स्टार्ट स्टेट से शुरू करते हैं। अब यहाँ पे हमें एक स्ट्रिंग लेना है विच इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉमा बी, एंड दैट स्ट्रिंग शुड स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, सिंपल एज दैट। मैंने तुम लोग को एग्जाम्पल लेके दिखाया था, मैंने बोला था कि यही स्ट्रिंग एक्सेप्ट होगा, तो वैसा ही एक स्ट्रिंग लेंगे, दैट स्ट्रिंग शुड बी एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉमा बी एंड दैट स्ट्रिंग शुड स्टार्ट विद ए एंड एंड विद बी, एंड देखेंगे कि क्या इस मेथड से वो स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो रहा है क्या। अगर हो रहा है तो इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम राइट है, सिंपल एज दैट, ठीक है। तो अभी लो कोई भी स्ट्रिंग ए बी बी ए बी, नाउ दिस स्ट्रिंग इज एनी कॉम्बिनेशन ऑफ ए कॉमा बी एंड दिस स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग विद बी, तो ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट हो जाना चाहिए। देखो करते हैं हम लोग क्या है अभी, देखो क्यू एस, सबसे पहले ए अंदर आएगा और बाकी सारी की सारी चीज़ें बाहर जाएगी। अब देखो क्यू एस पे ए, क्यू एस पे ए, दैट इज क्यू ए, क्यू ए ए, उसके बाद बी अंदर जाएगा, बाकी सारी की सारी चीज़ें बाहर, तो क्यू ए पे बी, क्यू ए ए पे बी, क्यू ए बी, क्यू ए बी, उसके बाद बी अंदर जाएगा और बाकी सारी की सारी चीज़ें बाहर, क्यू ए बी पे बी, क्यू ए बी पे बी, क्यू ए बी, सो क्यू ए बी, अंदर ए जाएगा बी बाहर रह जाएगा, क्यू ए बी पे ए, क्यू ए बी पे ए, दैट इज क्यू ए ए, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्यू ए ए, और अंदर बी जाएगा और बाहर कुछ भी नहीं बचेगा, सो सॉरी फॉर दैट, माय बैड, सो क्यू ए ए पे बी, क्यू ए ए पे बी, दैट इज क्यू ए बी, क्यू ए बी, मतलब देखो क्यू ए बी जो है वो हमारा फाइनल स्टेट है। फाइनल स्टेट का मतलब क्या है, क्यू ए बी का मतलब क्या है, येस द स्ट्रिंग इज स्टार्टिंग फ्रॉम ए एंड एंडिंग विद बी विच इज येस, तो इसका मतलब हमारा जो स्ट्रिंग है एक्सेप्ट हो चुका है, येस या एक्सेप्टेड लिखो और इसका मतलब हमारा प्रॉब्लम राइट है। और अब एक इम्पॉर्टेंट चीज़, ये जो है ना ये तुम्हारा होमवर्क क्वेश्चन है। जो भी स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और मुझे व्हाट्सएप पे सॉल्व आंसर्स या बेसिकली जो भी तुमने जिस पेपर के ऊपर तुमने सॉल्व किया है फोटोज़ अगर तुम मुझे व्हाट्सएप पे भेजोगे और अगर सारी की सारी चीज़ें सही है तो मैं पर्सनली अपने तरफ से मेरे नोट्स के ऊपर तुम्हें एक बहुत ही ज़्यादा अच्छा डिस्काउंट दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन को सॉल्व करो और नोट्स लेके जाओ, सिंपल एज दैट। वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ एक लाइक करो, और ये हमारा प्लेलिस्ट है, इस प्लेलिस्ट के अंदर इस सब्जेक्ट के सारे लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे। थैंक यू सो मच।